ਗਿਆਰੀਆਂ ਫੇਰ ਆਈ ਦੇ ਬਦਲ ਨੇ धन्यवाद रौनक भाई। द्रुमिल, निखिल और प्रथम तीनों बाहर थे। सनी भी। कौन कल्याण वर्सेस साखला 11। अगली बॉल हल्के हल्के कदमों से बॉल को सम्मान दिया पर एक रन चुराने में कामयाब। एक रन अपने खाते में और टीम के खाते में। बैट्समैन नेम अभी ये बॉल हरित जिगर हरित। सलामी बल्लेबाज जिगर और हरित। अच्छी बॉल उसको उतना ही अच्छे से सम्मान दिया पर फील्डर वहां चौकन्ने जिगर आउट। हरित हरित ने जो पिछले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था 79 का उनका निजी स्कोर रहा था और अभी तक के टूर्नामेंट में सबसे हाई स्कोर बना के कामयाब रखने में कामयाब। न्यू बैट्समैन भाविन भाविन गोराणी साथ उनका देंगे हरित हरित लिंबाणी। भाई दोस्त पानी लाने जरा जान निकल जाएगी अभी। चाय कॉफी सुबह जा रहे हिलने नहीं देते नहीं नहीं देते ये लोग। अगले बॉलर स्ट्राइक पर है हरित लिंबाणी उनका साथ दे रहे हैं नॉन स्ट्राइक पर भाविक। बॉलिंग पावर प्ले लिया है बॉलर है कल्पेश पोकार। कल्पेश पोकार के नन्हे नन्हे कदमों से बॉल आगे बढ़ती हुई हरित के लिए। हरित ने बल्ला घुमाया पर बीट हुए बॉल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। एम्पायर का डिसीजन वाइट टीम के स्कोर में एक रन का इजाफा। अगली बॉल हरित के लिए हरित ने उसको धीरे से पुश किया फील्डर वहां मौजूद कोई रन लेने में। अगली बॉल कल्पेश की हरित के लिए हरित ने बल्ला घुमाया वहां पर फील्डर ने मिस फील्ड किए और वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं गिर गई बाउंड्री लाइन के पार चार रनों के लिए। ये लगा सनातनी फोर।
दो डबल, तीन डबल, तीन डबल और पांच सिंगल। अगली बॉल कल्पेश की हरित के लिए। हरित ने फिर से धीरे से पुश किया, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन लेने में कामयाब। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हरित जो कि जाने माने बल्लेबाज माने जाते हैं, अगली बॉल उसको धीरे से पुश किया पर वहां पर बिल्डर मौजूद, देखते हैं रनआउट का पर चांस था बट थ्रो गलत और हरित अपनी सेफ क्रीज में पहुंच गए। हरित जो कि जाने माने बल्लेबाज माने जाते हैं, पिछली मैच में उन्होंने काफी उम्दा प्रदर्शन किया था, 79 के नीचे स्कोर पर नॉट आउट रहे थे। इस 79 में उन्होंने कुल मिला के 10 छक्के। अगली बॉल हरित के लिए। हरित ने बल्ला घुमाया पर बेट हुए, शायद थोड़े से इंजर्ड हुए। बॉलर कल्पेश अपने अपने नन्हे कदमों से आगे बढ़ते हुए बॉल किया, वहां पर शॉट को सम्मान दिया, बॉल जा रही बाउंड्री लाइन के पार, चार रनों के लिए लगाकर सनातनी फोर। भाविन के इस उम्दा फोर के बाद में टीम का स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन एक विकेट के नुकसान पर। कौन कल्याण श्री पाटीदार युवक मंडल मुंबई अने मुंबई रीजियन द्वारा आयोजित अने ठाणा युवक मंडल ना संयोजन थी उमिया कप टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 ना बीजा दिवस नु 7वो मैच सांकला 11 वर्सेस कोन कल्याण। अगली बॉल आदर्श की अगली बॉल बीट हुए हरित। बल्ला अच्छा घुमाया पर बॉल और बैट का कोई संगम नहीं, बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। आदर्श टू हरित। अगली बॉल को धीरे से पुश किया, सम्मान दिया पर एक रन चुराने में कामयाब। एक रन के साथ टीम का निजी स्कोर पहुंचा है 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है, आज कुछ आक्रामक नहीं दिख रहे हैं हरित अभी इस मैच में, अभी तक शायद आगे उनका कुछ प्लानिंग अलग हो। पिछले मैच में उन्होंने कुछ उम्दा प्रदर्शन किया था। अगली बॉल को फिर से घुमा दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखते हैं क्या होता है। अच्छी फील्डिंग पर उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन चुराने में कामयाब। भाविन गोराणी अगली बॉल उसको उतना ही सम्मान दिया पर बीट हुए। रन लेना चाहते थे हरित पर उनको ना कहा कि नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए। स्ट्राइक एंड पर भाविन उनका साथ दे रहे हैं हरित। अगली बॉल बल्ला घुमा दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन पूरा किया। इस एक रन के इजाफे के साथ टीम का निजी स्कोर 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। अठारह रन
अगली बॉल अपने नन्हे कदमों से आगे बढ़े, हरित ने सामना किया, हरित ने बल्ला घुमा दिया और यह लगा सनातनी सिक्सर। इस गगनचुंबी सिक्स के साथ में टीम का निजी स्कोर पहुंचा है 24 रन, 24 रन हरित के बल्ले से निकला ये पहला सिक्स। सहाड़ 11 वर्सेस कोन कल्याण मैच में, सांखला 11 वर्सेस कोन कल्याण। कोन कल्याण ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अगली बॉल बल्ला घुमा दिया है, वहाँ फील्डर मौजूद और ये आसान सा सिंपल सा लड्डू सा कैच और कौन कल्याण का ये दूसरे विकेट का पतन हुआ। भाविन आउट होकर पेविलियन लौट चुके। अगले बल्लेबाज आ रहे हैं दीप पोकार जो कि हरित लिम्बाणी का साथ देंगे। अगली बॉल नन्हे नन्हे कदमों से हरित के लिए, हरित ने बल्ले को घुमाया, सम्मान दिया पर एक रन चुराने में कामयाब। एक रन चुराकर अपने और टीम के निजी स्कोर में इजाफा किया। टीम का निजी स्कोर 25 रन विथ लॉस ऑफ टू विकेट्स। यश का सामना करेंगे दीप ने बल को सम्मान दिया। बॉल को वहीं रोक दिया। दीप की अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन। दीप काफी लंबे चौड़े तकरीबन 6 फुट के बॉलर। दीप अपने लंबे लंबे कदमों से चले हैं। अच्छी बॉल उतना ही अच्छा बॉल पर बहुत अच्छा कैच और इस अच्छे कैच के साथ दीप दीप पेविलियन लौट चुके। यश का ये उम्दा प्रदर्शन। अगले बैट्समैन के रूप में प्रीत धोड़ू जो कि हरित लिम्बाणी का साथ देंगे। हरित लिम्बाणी जो कि जाने माने बल्लेबाज माने जाते हैं, यश का सामना करेंगे। प्रीत बल्ला घुमाया, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के पास, वहां पर फील्डर मौजूद, उतनी अच्छी फील्डिंग। बॉल वापस पर एक ही रन लिया। एक रन के इजाफे के साथ में टीम का स्कोर पहुंचा है 26, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस ओवर की अगली बॉल बल्ला घुमाया, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के स्कोर के साथ में स्कोर का टीम का निजी स्कोर 27 विथ लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 3 ओवर की समाप्ति पर
माफ कीजिएगा, 4 ओवर की समाप्ति। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्स्ट टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्सिमा प्रीमियम कोटिंग लगाओगे तो स्टार तो कहलाओगे ही ना। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। वो रहा फारूक खान का बंगलो, ये है अमिताभ जी का बंगलो, और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्स्ट टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्सिमा प्रीमियम कोटिंग लगाओगे तो स्टार तो कहलाओगे ही ना। ग्लोबल कल्याण का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 27 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अमिताभ जी का बंगलो, और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्स्ट टेक्सचर फिनिश और मास्टर कलर का फाइबर वाला टेरेस वाटरप्रूफिंग करा दिया होता दिन का, तो आज कैच ने मैच देख रहे होते। सहार 11 वर्सेस स्कोर कल्याण, ग्लोबल कलर्स का फाइबर वाला टेरेस वाटरप्रूफिंग, ग्लोबल कलर्स कलरिंग। साकला 11 वर्सेस स्कोर कल्याण, कौन कल्याण ने टॉस जीतकर अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। अल्टरनेट खाना खा लेना, इसके लिए क्या है? अबे बैठ बैठ के खाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसा कैसा मतलब कंटेनर विंटेनर मंगा दिया ना तो जगह पे हो जाता हमारा। अगली बॉल हरित के लिए। हरित ने बल्ला घुमाया पर बॉल से चूके, वहां पर फील्डर मौजूद, किसी रन का कोई इजाफा नहीं, बॉल डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल बीट हुए। धवल, धवल टू, अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट घुमाया, वहां पर फील्डर मौजूद है पर कोई फायदा नहीं। बॉल बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ में टीम का स्कोर पहुंचा है 31 रन विथ लॉस ऑफ 3 विकेट। 5वां ओवर ऑन गोइंग है। थाने पाटीदार અને પીચ રોકર્સના કેપ્ટનને વિનંતી કે રિપોર્ટિંગ માટે સ્ટેજ પાસે આવશે। અગલી બોલ, અગલી બોલ ચલી હે, બલ્લા ઘુમાયા હે હરિતને ઓર વહાં પે ફિલ્ડર મૌજૂદ ઓર એક શાનદાર સા કેચ, હરિત આઉટ હોકર પેવિલિયન કી ઓર લોટતે હુએ। પિછલે મેચ મેં ઉન્હોને કાફી ઉમદા પ્રદર્શન કિયા થા પર ઇસ બાર ઉન્હોને अगले बैट्समैन के रूप में मनीष लिम्बाणी। अगली बॉल प्रीत के लिए। प्रीत ने बल्ला घुमाया बीट हुए, बॉल गई इसकी विकेट कीपर के दस्तानों में। टीम का स्कोर 31 पर रुका हुआ। अगली बॉल धवल की, सामना किया प्रीत ने, धीरे से 1 रन चुराया, वहां पर फील्डर मौजूद और कोई नुकसान नहीं, 1 रन आसानी से पूरा किया अपने और अपने टीम के खाते में इजाफा करते हुए। पिच रॉकर्स ना कैप्टन ने विनंती
કે સ્ટેજ પાસે આવે આપણી ટીમનું રિપોર્ટિંગ કરાવે. अगला ओवर लेकर आए आदर्श. आदर्श प्रीत के लिए, प्रीत ने बल्ला घुमाया, वहां पर फील्डर मौजूद. देखें क्या होता है. एक रन पूरा किया, दूसरे रन की कोशिश, वहां पर फील्डर मौजूद और बॉल गई बाउंड्री लाइन के पास चार रनों के लिए. ये लगा सनातनी चौका. टीम का स्कोर धीरे धीरे मध्यम गति से कछुए की चाल से 36 रन तक पहुंचा, चार विकेट के नुकसान पर. अगली बॉल नन्हे नन्हे कदमों से प्रीत के लिए, पर प्रीत बीट हुए. बॉल गई विकेट कीपर के दस्तानों में. कोई नुकसान नहीं, कोई इजाफा नहीं. अगली बॉल अपने लंबे कदमों से प्रीत के लिए, प्रीत ने बल्ला घुमाया और ये आउट. विकेट कीपर के दस्तानों में बॉल जाकर समा गई और प्रीत को बाय बाय कहते चली गई. प्रीत वापस पेविलियन लौटते हुए अगले बैट्समैन के रूप में हरेश छाबैया साथ देंगे. मनीष लिम्बाणी का नॉन स्ट्राइक हैंड पर और हरेश छाबैया स्ट्राइक हैंड पर. राइट हैंड के राइट हैंडेड उम्दा बैट्समैन. बॉलर चले अपने लंबे लंबे कदमों से हरेश के लिए. हरेश ने बल्ला घुमाया, थोड़ी सी फील्डिंग, फिर मिस फील्डिंग, अल्टीमेटली एक रन चुराने में कामयाब. इस एक रन के इजाफे से टीम का स्कोर पहुंचा है 37 रन विथ लॉस ऑफ 5 विकेट्स. अगली बॉल आदर्श चले लेकर हरेश के लिए. बल्ला घुमाया, मनीष बीट हुए. नो प्रॉफिट नो लॉस. अगली बॉल आदर्श की, बल्ला घुमाया, बीट हुए, बट कोई नुकसान नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं. नो प्रॉफिट नो नुकसान. नहीं, खुद को नहीं हुआ ना. इसी के साथ ओवर की समाप्ति होने पर, 6 ओवर की समाप्ति पर 37 रन लॉस ऑफ 5 विकेट्स. कौन कल्याण 11 के. अगला मैच ठाणे पाटीदार वर्सेस पिच रॉकर्स के बीच में खेला जाएगा. ठाणे पाटीदार वर्सेस पिच रॉकर्स ना बे बन्ने ना कैप्टन टॉस माटे स्टेज पासे आवशे. टॉस ना दाता श्री मातेश्वरी ग्रुप और उतनी ही शानदार
चौके के साथ में टीम का निजी स्कोर पहुंचा है 41 रन। अगली बॉल चले लंबे लंबे कदमों से, बल्ला घुमाया और कुछ छोटी सी अपील हुई है, देखें एम्पायर का डिसीजन क्या होता है। एम्पायर का डिसीजन बाय एक रन का इजाफा टीम के स्कोर में। पिच रॉकर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। अगला मैच ठाणे पाटीदार वर्सेस पिच रॉकर्स के बीच में। पिच रॉकर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। अगली बॉल चली है, बल्ला घुमाया, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखें क्या होता है। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले हुए, हो सकता है रन आउट का चांसेस, पर थ्रो गलत डायरेक्शन में और दो रन चुराने में कामयाब। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पिच रॉकर्स ना कैप्टन ने विनंती की, फरी एक बार स्टेज पासे आओ से। पिच रॉकर्स ना कैप्टन ने विनंती छे, एक बार फरी स्टेज पासे आओ से। गैर सोए बदल माफी चाहूं। अगली बॉल धवल लेकर चले, बल्ला घुमाया, वहां पर फील्डर मौजूद, मिसफील्ड हुआ और ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार, चार रनों के लिए लगा पाटीदार चौका। इस चार रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 49 रन, पांच विकेट के नुकसान पर। कौन कल्याण 11 का धीमी गति से तेज गति की तरफ बढ़ते हुए। बल्ला घुमाया, एक रन चुराने में कामयाब। इसी के साथ कौन कल्याण 11 के 50 रन पूरे हुए। सात ओवर की समाप्ति पर कौन कल्याण 11 के 50 रन, पांच विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल लेकर चले हैं, बल्ला घुमाया, बॉल और बैट का कोई संगम नहीं। हर्ष हरेश अपने नन्हे नन्हे कदमों से, बल्ला घुमाया, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और बॉल गई बाउंड्री लाइन के पार, चार रनों के लिए। चार रनों के साथ टीम का निजी स्कोर पहुंचा है 54 रन, पांच विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी बॉल पर बल्ले से उतनी ही दूर, बल्ला घुमाया पर बॉल और बैट का कोई संगम नहीं। एम्पायर का डिसीजन वाइट, हाँ वाइट के साथ एक रन का इजाफा। अगली बॉल बल्ला घुमाया पर बॉल और बैट का फिर से कोई संगम नहीं। इस के साथ टीम का स्कोर 55 पर रुका हुआ। 555 अगली बॉल बल्ला घुमाया, वही बीट हुए और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ हरेश पेविलियन लौटते हुए,
हेलो, एक सूचना छे, एक होंडा ने चावी मळी छे, हीरो होंडा ने चावी मळी छे, जे कोई भाई ने चावी गुमावी होय अहीं स्टेज पासे आवीने लई जाय। मैक्सिमा प्रीमियम कोटिंग लगाओगे तो स्टार तो कहलाओगे ही ना। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। वो रहा फारूक खान का बंगलो, ये है अमिताभ जी का बंगलो, और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्सिमा प्रीमियम कोटिंग लगाओगे तो स्टार तो कहलाओगे ही ना। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। वो रहा फारूक खान का बंगलो, ये है अमिताभ जी का बंगलो, और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्सिमा प्रीमियम कोटिंग लगाओगे तो स्टार तो कहलाओगे ही ना। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। वो रहा फारूक खान का बंगलो, ये है अमिताभ जी का बंगलो, और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्सिमा प्रीमियम कोटिंग लगाओगे तो स्टार तो कहलाओगे ही ना। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। वो रहा फारूक खान का बंगलो, ये है अमिताभ जी का बंगलो, और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्सिमा प्रीमियम कोटिंग लगाओगे तो स्टार तो कहलाओगे ही ना। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। वो रहा फारूक खान का बंगलो, ये है अमिताभ जी का बंगलो, और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्सिमा प्रीमियम कोटिंग लगाओगे तो स्टार तो कहलाओगे ही ना। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। वो रहा फारूक खान का बंगलो, ये है अमिताभ जी का बंगलो, और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्सिमा प्रीमियम कोटिंग लगाओगे तो स्टार तो कहलाओगे ही ना। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। वो रहा फारूक खान का बंगलो, ये है अमिताभ जी का बंगलो, और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्सिमा प्रीमियम कोटिंग लगाओगे तो स्टार तो कहलाओगे ही ना। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। वो रहा फारूक खान का बंगलो, ये है अमिताभ जी का बंगलो, और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्सिमा 60 रन का टारगेट दिया है सांकला 11 को जीतने के लिए। पहला ओवर कौन कल्याण की तरफ से लेकर आए हैं, परेश सामना करेंगे। परेश अगली बॉल परेश लेकर चले, बल्ला घुमा दिया वहां फील्डर की, उतनी अच्छी फील्डिंग और कोई रन नहीं, बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर, शायद मिस फील्ड होती तो चार रन के अलावा कुछ नहीं मिलता।
अच्छी फील्डिंग वहां पर हार्दिक के द्वारा। परेश अगली बॉल लेकर चले, बल्ला घुमाया वहां पर फील्डर मौजूद, पर फील्डर के ऊपर से बॉल गई बाउंड्री लाइन के पास चार रनों के लिए। इस चार रन के साथ में टीम का निजी स्कोर पहुंचा है चार रन। इस चार रन के सारे टीम का खाता खुला। अगली बॉल बल्ला घुमा दिया है वहां पर फील्डर मौजूद और उतना शानदार कैच लड्डू के तरह हाथों में दीप पोकार के द्वारा और बल्लेबाज पेविलियन लौटते हुए दीप पोकार के द्वारा एक शानदार सा उम्दा कैच बल्लेबाज को पेविलियन लौटाने में कामयाब रहा। अगले बल्लेबाज के रूप में यश उनका साथ देंगे लेखिक लेखिक दोड़ू। स्ट्राइक पे यश सामना करेंगे, बॉल उसको धीरे से पुश किया, सम्मान दिया, एक रन चुराया और एक रन चुराकर टीम के और अपने खाते में एक एक रन का इजाफा किया। अगली बॉल परेश लेकर चले हैं, बल्ला घुमाया वहां पर फील्डर मौजूद, पर फील्डर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार जाते जाते बॉल बची और उतनी अच्छी फील्डिंग प्रीत के द्वारा। टीम का स्कोर 6 एक विकेट के नुकसान पर। परेश अगली बॉल लेकर चलें, बल्ला घुमाया वहां पर फील्डर मौजूद नहीं और बॉल बाउंड्री लाइन के पार चार रनों के लिए। इस चार रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 10 रन। ओवर की समाप्ति। साखला 11 को इस मैच को जीतने के लिए 42 बॉलों पर 50 रन की जरूरत है। साखला 11 को यदि इस मैच को जीतना है तो 42 बॉल पर 50 रन का जरूरत है। शानदार चौका, चौके के साथ टीम का स्कोर 14 रन एक विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल नन्हे नन्हे कदमों से बॉल को सम्मान दिया, बीट हुए, नो प्रॉफिट नो लॉस।
बहुत ही शानदार कैच विकेट कीपर के द्वारा अशोक भाई लिम्बाणी ने अपने शानदार कैच का प्रदर्शन करते हुए बहुत शानदार गेंदबाजी हरेश छाबैया की सावन नए बल्लेबाज के रूप में सामना करेंगे हर्ष। बॉल को धीरे से पुश किया, वहां पे फील्डर मौजूद और कोई रन नहीं। अगली बॉल हर्ष लेकर चले सावन के लिए। सावन ने बॉल को पुश किया और उतना सुंदर कैच विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही शानदार कैच के साथ में सावन पहुंचे पेविलियन। अगले बल्लेबाज के रूप में आए धवल, सामना करेंगे हर्ष का। हर्ष अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर धवल के लिए। अगली बॉल लेकर चले हैं, बॉल को काफी नजदीकी मामला हो सकता था पर बच्चे। दो ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचा है 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अगले बॉलर के रूप में आए भाविन गोराणी। अगला ओवर लेकर आए भाविन। अगली बॉल लेकर चलें, बॉल पर विकेट से काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइट। इस वाइट के साथ में टीम के स्कोर में 1 रन का इजाफा होते हुए अगली बॉल लेकर चलें। बॉल को घुमाया, वहां पर फील्डर मौजूद, उतना ही शानदार कैच। साथ ही साथ कोन कल्याण का 1 विकेट और गिरते हुए सांकला 11 का 1 और विकेट गिरते हुए बहुत ही शानदार कैच दीप पोकार के द्वारा शानदार कामयाबी।
फ्यूचर बाबा पहला बोलता है ना पहला बोल आ रहा है पहला ही बोल नहीं नहीं एक पहला वाइट डाला ना अच्छा वाइट डाला हां बिल्कुल साकला 11 ने अपने 15 रन के निजी स्कोर पर 4 विकेट गिरा चुके हैं हिमेश स्ट्राइक पर सामना करेंगे भाविन का भाविन चले अपने लंबे लंबे कदमों से हिमेश के लिए हिमेश ने बल्ला घुमाया बॉल को सम्मान दिया एक रन चुराने में कामयाब बहुत ही शानदार कैच डॉक्टर मनीष लिम्बाणी के द्वारा कोन कल्याण की टीम को एक और सफलता पांचों विकेट सांखला 11 का वापस पेविलियन जाते हुए तकरीबन आधी टीम पेविलियन लौट चुकी है एक उम्मीद की किरण कौन कल्याण 11 के लिए इस विकेट के पतन के बाद बहुत ही उम्दा बॉलिंग का प्रदर्शन अभी तक कौन कल्याण 11 के द्वारा अगले बॉलर के रूप में आए हैं हरेश छाबैया इस इनिंग की दूसरी जिनेश ऑन स्ट्राइक सामना करेंगे अगली बॉल बीट हुए बॉल और बैट का कोई संगम नहीं हरेश छाबैया अपनी टीम का चौथा और अपना निजी दूसरा ओवर लेकर अगली बॉल अपने अपने लंबे कदमों से चले हैं बल्ला घुमाया वहां पर फील्डर मौजूद पर वन ड्रॉप बॉल गई बाउंड्री लाइन के पास वहां पर फील्डर मौजूद पर कोई फायदा नहीं बॉल गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए थोड़ी सी मिसफील्ड
थोड़ा सा महंगा साबित होती हुई, बट अभी तक सम्मानजनक स्थिति में कोन कल्याण इलेवन टफ फाइट देते हुए सांकला इलेवन को अगली बॉल हरीश लेकर चले। बॉल को उठा दिया है, वहां पर विकेट कीपर मौजूद हैं, देखें कहां तक पहुंचती है, पर एक रन का इजाफा सांकला इलेवन के खाते में। अगली बॉल जिनेश के लिए, जिनेश ने बल्ला घुमाया है, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन भी नहीं मिलेगा। स्ट्राइक एंड पर धवल सामना करेंगे, बॉल एकदम और बल्ला घुमा दिया है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, बॉल गई बाउंड्री लाइन के पार चार रनों के लिए। ये लगा सनातनी चौका, इधर गिरा ना, माफ कीजिएगा, एम्पायर का इशारा सिक्स। अगली बॉल धीरे से कट किया, वहां पर फील्डर मौजूद, पर कोई रिस्क नहीं लिया और बॉल गई बाउंड्री लाइन के पार चार रनों के लिए। इस ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर जा पहुंचा है सांकला इलेवन का 36 रन 24 बॉल पर, 24 रन की रिक्वायरमेंट है, 24 बॉल 24 रन, वन रन पर बॉल। मैच वापस सांकला इलेवन के पलड़े में लौटते हुए बड़ा कसमकस भरा मैच सांकला इलेवन वर्सेस कोन कल्याण। अगला मैच ठाणे पाटीदार वर्सेस पिच रॉकर्स। पिच रॉकर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया है। अगले बॉलर आए प्रीत धोड़ू कोन कल्याण की तरफ से। प्रीत धोड़ू जिनेश के लिए, ऑन ग्राउंड एम्पायर थोड़ा मैच को गति प्रदान करें। प्रीत चले अपने नन्हे नन्हे कदमों से जिनेश के लिए, बल्ले को धीरे से घुमाया, सम्मान दिया, पर एक रन चुराने में कामयाब। इस एक रन के साथ में टीम का निजी स्कोर पहुंचा है 37 रन। सांकला इलेवन को यदि यह मैच जीतना है तो 23 बॉलों पर 23 रन की आवश्यकता है, हर एक बॉल पर रन 23 बॉल 23 रन की आवश्यकता है सांकला इलेवन को इस मैच को जीतने के लिए। अगली बॉल बल्ला घुमाया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, एक रन से संतोष करना पड़ेगा सांकला इलेवन को,
मुश्किल पर नामुमकिन नहीं। थोड़ा सा टफ मैच पर रोमांचक। अगली बॉल धीरे से बल्ला घुमाया, वहां फील्डर मौजूद, रन आउट के चांसेस हो सकते थे पर डॉट बॉल को एक रन में तब्दील किया और एक रन चुराकर टीम के स्कोर में इजाफा किया। थर्टी नाइन रन। अगली बॉल नन्हे नन्हे कदमों से प्रीत लेकर चले। कौन कल्याण को इस मैच में लौटने के लिए विकेट की आवश्यकता है? टफ मैच पर नामुमकिन नहीं दोनों ही टीमों के लिए। अगली बॉल लेकर चले, बल्ले को घुमाया पर बॉल और बैट का कोई संगम नहीं, बॉल गया विकेट कीपर के दस्तानों में। नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई चाय लेके आओ। थोड़ा बॉल को घुमाया, थोड़ा सा फ्लिप किया, बैट्समैन रन दौड़ने के निकले, फील्डर की उतनी उम्दा फील्डिंग, कोई रन नहीं। मैच टीम का निजी स्कोर पहुंचा है 39 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। साखला 11 को इस मैच को जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता है 18 बॉलों पर, 3 ओवर में 21 रन। साखला 11 को इस मैच को जीतने के लिए हर ओवर में 7 रन की आवश्यकता है 18 बॉल पे 21 रन। सांकला 11 को इस मैच को जीतना है तो काफी उम्दा रोमांटिक और अगली बॉल अगला ओवर की अगली पहली बॉल लेकर चले भाविन, अपने नन्हे नन्हे कदमों से बल्ला घुमाया पर एम्पायर का डिसीजन वाइट। इस वाइट के साथ में सांकला 11 के स्कोर में एक रन का इजाफा। 18 बॉलों पर 20 रन की आवश्यकता है सांकला 11 को इस मैच को जीतने के लिए। भाविन लेकर चले हैं अगली बॉल, अपने लंबे कदमों से धीरे से घुमाया बल्ला और ये बल्ला घुमाया और वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन से संतोष करना पड़ेगा। जिनेश ऑन स्ट्राइक, माफ कीजिएगा धवल। अगली बॉल धवल के लिए, धवल ने बल्ला घुमाया, बॉल और बैट का कोई संगम नहीं, एम्पायर का डिसीजन वाइट। वाइट के साथ में एक रन का इजाफा सांखला 11 के खाते में। अगली बॉल बल्ला घुमाया, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल गई बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए। ये लगा सनातनी सिक्सर, बहुत ही अच्छा शॉट और उम्मीद कम बट नामुमकिन नहीं दोनों ही टीमों के लिए। कहते हैं क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगली बॉल लेकर चले भाविन,
बल्ला घुमाया, बॉल और बैट का कोई संगम नहीं, एम्पायर का डिसीजन वाइट वाइट वाइट, ये महंगा पड़ सकता है कौन कल्याण को। टीम का स्कोर 49 रन। अगली बॉल लेकर चले भाविन अपने नन्हे नन्हे कदमों से, बल्ला घुमाया, बॉल वेट का संगम, बट एक रन से संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के सहारे टीम का स्कोर पहुंचा है 50, 50 रन कंप्लीट होते हुए साखला 11 के। साखला 11 को इस मैच को जीतने के लिए 15 बालों पर 10 रन की आवश्यकता, दोनों ही टीमों के लिए मुश्किल बट नामुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगली बॉल लेकर चले हैं, बल्ला घुमाया, बॉल और बैट के साथ संगम, फील्डर मौजूद पर फील्डर के ऊपर से बॉल गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 54 रन, जीतने के लिए सिर्फ 6 रनों की आवश्यकता। अच्छी बॉल, बल्ला घुमाया पर बॉल और बैट का कोई संगम नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। छह रनों की और आवश्यकता है साखला 11 को इस मैच को जीतने के लिए। अगली बॉल लेकर चले हैं, बल्ले को धीरे से पुश किया, फील्डर के हाथों में गेंद, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, परसों डायरेक्ट क्वालिफायर। 2 ओवर में सांकड़ा 11 को इस मैच को जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता है, 3 रन पर ओवर। बॉलर प्रीत, अगला ओवर लेकर आए प्रीत, प्रीत धोड़ू, बल्ला घुमाया, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन से संतोष करना पड़ेगा, टीम के स्कोर में एक रन का इजाफा, 11 बालों पर 5 रनों की आवश्यकता साखला 11 को इस मैच को जीतने के लिए। जिनेश सामना करेंगे प्रीत का, जिनेश ने बल्ला घुमाया, वहां पर फील्डर मौजूद पर एक रन से संतोष करना पड़ेगा, टीम के स्कोर में एक रन का इजाफा, 10 बालों पर 4 रनों की आवश्यकता, एक चौके के साथ में इस मैच को जीता जा सकता है। अगली बॉल धीरे से पुश किया, बॉल और बैटर बैट का कोई संगम नहीं, थोड़ी सी छोटी सी अपील पर इसका एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं। अगला मैच ठाणे पाटीदार वर्सेस पिच रॉकर्स के बीच में खेला जाएगा, आज का ये अंतिम मैच। अगली बॉल लेकर चलें, बल्ला घुमाया, वहां पर फील्डर मौजूद नहीं और ये बॉल गई बाउंड्री लाइन के पास 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ने साखला 11 ने ये मैच जीत लिया है। कितने विकेट से जीता?